नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं कोमल। इस तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बरगंडा रोड में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन के तेवर हुए कड़े। भूमि की मापी कर 3 दिन में अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश। SDO विजय यादव ने कहा, अतिक्रमण नहीं हटा तो होगी कार्रवाई। गिरिडीह पुलिस ने 2 दिनों में छापेमारी कर जब्त किया अवैध बालू व कोयला। दोनों मामले में 5 की हुई गिरफ्तारी। प्रशिक्षु DSP नितिन खंडेलवाल ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। भुइया टोली में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य हुआ पूर्ण। फीता काटकर नप अध्यक्ष दिनेश यादव ने किया उद्घाटन। 14वीं वित्त योजना से किया गया है निर्माण। और 8 जनवरी से झंडा मैदान में लगेगा गिरिडीह उत्सव मेला। विभिन्न सामानों के लगाए जाएंगे स्टॉल। बच्चों के लिए लगाया जाएगा आकर्षक झूला। अब खबरें विस्तार से। SDO विजय यादव ने बरगंडा रोड में अतिक्रमण करने वालों को 3 दिन के अंदर अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने पर प्रशासन द्वारा उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने भदानी टावर से बरगंडा चौक तक सड़क अतिक्रमण करने वालों को 3 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया है। शनिवार को SDO विजय यादव, CO धीरज ठाकुर, अमीन, नप के पदाधिकारी और भू राजस्व पदाधिकारियों ने भदानी टावर से बरगंडा चौक तक जमीन की मापी की तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस बाबत SDO विजय यादव ने कहा कि 3 दिनों में अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा सभी अतिक्रमणकारियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये कॉमन रास्ता है, आपका कॉमन है, तो अगला रास्ता कुछ यही है। हम लोग मेन रोड में भदानी टावर के सामने में जो है सो पहले हम लोग 10 आदमी को नोटिस दिए थे सरकारी अतिक्रमण जो है सो रोड अतिक्रमण के तहत, और उनके द्वारा जो है सो कहा गया था कि एक बार पुनः जो है सो माफी कर लिया जाए। इसी क्रम में हमारे जो सो अनुमंडल पदाधिकारी महोदया के द्वारा अपने सामने में खुद जो है सो माफी करवाया गया, जिसमें जो है हमारे CO साहब, नगर परिषद के हमारे अमीन और अंचल के अमीन और एक जो और अफसर लोग थे हमारे साथ, सहायक अभियंता प्रमोद कुमार वो भी थे, और हम लोग सभी जनता के सामने में जो है सो पुनः माफ़ी कराई गई, जिसमें जो है सो करीब 4 फीट 5 फीट अतिक्रमण जो है सो उसमें निकला है रानी टावर का, वहाँ पर जो है सो माफ़ी करके दाग करा दिया गया है, और उसमें जो है SDM महोदया के द्वारा जो है समय दिया गया है मंगलवार तक जो है सो अपना स्वतः जो है सो तोड़ लें, और नहीं तो जो है सो फिर मंगलवार के बाद पूरा 10 आदमी को नोटिस हुआ था। 10 आदमी ने भदानी टावर से ही शुरू था, उसके पहले एक था बगड़िया जी का है, उनका था, लेकिन उन लोगों के द्वारा यही अपना दिया गया था आवेदन कि हम लोग का पूर्व में जो माफ़ी था उसके अनुसार पुनः माफ़ी कर लिया जाए, और माफ़ी करने के बाद जो है सो अधिकतर कार्रवाई करने का अनुरोध लोगों के द्वारा किया गया। एक के बीच में अंचल अधिकारी गिरिडीह, उनके अमीन, नगर परिषद के अफसर, उनके अमीन तथा अनुमंडल पदाधिकारी, उनके ऑफिस के स्टाफ, इन सारे लोगों के समक्ष, काफ़ी सारे प्रेस फ्रेंड्स मीडिया थे, उनके सारे लोगों के समक्ष आज 3-4 तरीके से उनके सेटिस्फैक्शन के लिए नापी करवाई गई। जो सर्वे का कुआं है, उस कुएं के रेफरेंस पॉइंट से अगर देखा जाए तो कुआं अभी वहाँ भरा गया है, कुएं का कोई नामो निशान वहाँ है नहीं है। जो भदानी टावर्स के पीछे 2 गलियां है जो सर्वे के नक्शे में दी जा रही है, वो ओरिजिनल सर्वे के साथ देख के उसका नक्शा किया गया।
हाईकोर्ट का ऑर्डर ये था कि हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को ये आदेश दिया है कि आप जो अपोनेंट पार्टी है जिनके खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है उनके समक्ष आपको नापी करनी है और अगर अतिक्रमण पाया जाता है तो आपको ये अतिक्रमण हटाना है एंड द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। ये हाईकोर्ट के एकदम क्लियर कट वर्ड्स हैं। इसीलिए आज दोबारा उनके ऑब्जेक्शंस को सेटिस्फाई करने के लिए रेज जो उन्होंने किए थे उसको समाधान देने के लिए आज तीन चार तरीके से नापी की गई। पीछे जो सर्वे गली है उसको एक रेफरेंस पकड़ा गया, उसके पीछे एक सर्वे गली उसको रेफरेंस पकड़ा गया और 380 फीट जो आना चाहिए वो 380 फीट जगह पे आने पे उनका काफ़ी सारा पोर्शन आगे अतिक्रमित हो चुका है। उनको 2011 में जो मार्किंग किया गया था वही आज मार्किंग पड़ रहा है और उन्होंने का टाइम मांगा है बट हमने उनको 3 दिन का समय दिया है और अंचल अधिकारी गिरडी के नेतृत्व में और एसडी ऑफिस के नेतृत्व में इसका अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई मंगलवार को किया जाएगा। उन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी ना करें और जहाँ जहाँ पे अतिक्रमण है वहाँ पे हटाया जाएगा। अभी फिलहाल भदानी टावर के बाद हुट्टी बाज़ार में जो अतिक्रमण हो गया है उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। बाज़ार समिति द्वारा ऐसे अतिक्रमित दुकानों को नोटिस दी गई है और हुट्टी बाज़ार को थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके हम ये कोशिश करेंगे कि वहाँ जो साप्ताहिक बाज़ार होता है उसके बाद जो एक दैनिक बाज़ार लगता है तो क्या उनसे प्रतिदिन के बेसिस पे भाड़ा लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। अगर नहीं लिया जा रहा है तो वो निर्धारित किया जाए ताकि गवर्नमेंट रेवेन्यू को लॉस ना हो सके और जो बाकी के छोटे छोटे टेम्प्ररी शंटीज टाइप का इंक्रोचमेंट बना है हम उसको हटाना चाहते हैं। वहाँ पे सर्किट हाउस जो नया सर्किट हाउस है उसके बगल में जाने का एक छोटा सा रास्ता है, दीवार टूटा हुआ है। हम वो चाहेंगे कि वो दीवार एक कंप्लीट हो जाए और रूटी बाज़ार की दूसरी साइड बंद हो जाए ताकि कोई अनऑथराइज वाहन प्रवेश ना हो। और वहाँ पे हफ्ते में एक दिन जानवर बेचने के लिए जो भी कोई खरीदना चाहता है बेचना चाहता है उनके लिए शेड बनाई गई है बट अभी वहाँ परमानेंट बेसिस पे गाय बकरियाँ लगा के मवेशी लगा के लोग वहाँ पे एकदम कचरा किए हुए है तो वो सारी चीज़ें हम अभी आने वाले दिनों के अतिक्रमण में हटाने वाले हैं। प्रसिद्ध डीएसपी नितिन खंडेलवाल ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि 2 दिनों में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध बालू ट्रक और कोयला जब्त किया है। गिरिडीह पुलिस ने 2 दिनों में विभिन्न स्थानों में छापेमारी कर अवैध बालू ट्रक और कोयला जब्त किया है। यह जानकारी प्रशिक्षु डीएसपी नितिन खंडेलवाल ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को टुंडी रोड में 2 ट्रक बालू बरामद किया गया और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। इधर शनिवार को अगदोनी कला गांव से 6 बाइक में 21 क्विंटल कोयला जब्त किया गया, इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई। कल दिनांक 5/1/18 को करीब 1 बजे गुप्त सूचना मिली कि अवैध बालू से लदे 2 ट्रक मैतुडी पिकेट एरिया में भ्रमणशील हैं। खनन पदाधिकारी विभूति कुमार की सहायता से पुलिस ने ज्वाइंट छापेमारी की और उसमें मैथोडी पिकेट के पदाधिकारी अनिल उराव ने उसको लीड किया और हम लोगों ने बालू से लदे 2 ट्रक सीज किए। पहले ट्रक का नंबर है BR01GD4837 और दूसरे ट्रक का नंबर है BR01GD6523। इसमें एक गिरफ्तारी भी हुई है और गिरफ्तार चालक का नाम है फंटूस कुमार यादव, पिता पूना यादव, ग्राम शर्मा, थाना लखीसराय बिहार। दूसरे ट्रक का चालक भागने में फरार रहा। दोनों ट्रक अभी थाना परिसर में ही खड़े हैं और इन पे एफआईआर कर दी गई है और अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। आज दिनांक 6/1/18 को सुबह 5 बजे हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कोयले से लदी कई बाइकें और बैलगाड़ी और साइकिल वगैरह में अवैध कोयला की तस्करी हो रही है। कोयला के लिए अवैध कोयले की तस्करी को रोकने के लिए हमारा प्रयास सतत लगातार बना हुआ था और इसी के तहत गुप्त सूचना मिलने के बाद सवनी सुनील कुमार सिंह, इंस्पेक्टर संजीव कुमार मिश्रा और सवनी श्रवण कुमार सिंह ने जॉइंट ऑपरेशन किया और उस पर 6 राजदूत मोटरसाइकिल और 21 क्विंटल कोयला और 4 व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई। 4 गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम है चिंतामन यादव, पेशर घनश्याम यादव, साकिन रानी खबर, गोविंद तुरी
पेसर लालदेव तुरी साकिन सुग्गा सर, उमेश यादव पेसर बैटरी यादव साकिन परियाना, प्रीतम साहु पेसर गंगो साहु साकिन प्रतापपुर, सभी थाना मुफस्सिल जिला गिरिडीह के रहने वाले हैं। इन पे भी FIR कर दी गई है और अभियुक्तों को जेल भेजने की कार्रवाई अग्रतर है। मोती लेदा निवासी बंगलू राणा एक सड़क दुर्घटना में विगत 2 जनवरी को घायल हो गया था। गंभीर स्थिति में घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। विगत 2 जनवरी की शाम को मोतीलेदा स्थित बरमसिया मोड़ में एक ऑटो ने बाइक सवार बंगलू राणा को धक्का मार दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे घायल अवस्था में सदर अस्पताल गिरिडीह लाया गया। घायल के परिजनों ने ऑटो मालिक अजय राणा से मुआवजे की मांग की, परंतु वह देने से इनकार कर दिया। घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दे दी है। इधर घायल का इलाज 5वें दिन भी सदर अस्पताल में चल रहा है। से जा रहे थे इधर से, और जाने वक्त टेम्पो से उधर से मोचर तरफ से आ रहा था, और शराब एक्सेस ज़्यादा बहुत ज़्यादा पिया था, और हम बाया सेड लेते लेते लेकर मैंने खिजूर गाछ था वहाँ जाके शराब मारा, बम्फर से हम फट तरह गिर गए, टेम्पो भाग गया। और भागने के बाद गांव के आदमी मेरा फ़ोन किए तो फ़ोन करें करने के बाद लाया हॉस्पिटल में ला के भर्ती। टेम्पू पकड़ाया था, टेम्पू पकड़ा गया है, मेरे गांव में एक टेम्पू है अजय राणा का, खैरोन हमें सूचना दे दिए। मानव सेवा संगठन द्वारा शनिवार को स्टेशन रोड में जरूरतमंदों को भोजन कराया गया। भोजन पाकर लोगों में भारी खुशी देखी गई। नव वर्ष के उपलक्ष्य में शनिवार को मानव सेवा संगठन द्वारा स्टेशन रोड में गरीबों को भोजन कराया गया। इसके तहत यहां स्टॉल लगाकर लोगों को पूरी सब्जी और बूंदिया दी गई। भोजन पाकर लोग काफी खुश दिखाई दे रहे थे। भोजन वितरण में संगठन के अध्यक्ष विक्रम साव, सचिव अंकिता केडिया, शुभम सिंघानिया, हर्ष जलान, उदित डालमिया, सागर केडिया आदि ने सराहनीय योगदान किया। आज हम लोग जो किए हैं वो नव वर्ष के उपलक्ष्य में एक सज्जन ने इनके लिए दान दिया था, इसमें आज हम लोग खीर पूरी और सब्जी वितरण किया। छात्र संघ चुनाव को लेकर शनिवार को ऐसा छात्र संघ की एक बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि चुनाव में अन्य दलों का सहयोग भी मिल रहा है। विवाह भवन गिरिडीह में शनिवार को ऐसा छात्र संघ की एक बैठक हुई। बैठक में 10 जनवरी को आरके महिला कॉलेज में होने वाले छात्र संघ के चुनाव पर चर्चा की गई। बताया गया कि इसमें आप NSUI और JBM का भी समर्थन मिल रहा है। चुनाव प्रभारी स्मृति मिश्रा और रुखसार को बनाया गया है। बैठक में आफाक नौशाद, ऋषिकेश मिश्रा, सागर कुमार आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। ऐसा ये मुद्दा लेके उतरी है कि जब ऐसा आएगी और जरूर आएगी इस बार, तो वहां पर कम से कम 3 से 4 काउंटर देगी और बैंक की अपनी सुविधा कॉलेज में होगी और सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई सुचारू रूप से होगा। इसलिए ऐसा और आम आदमी पार्टी जो इसको समर्थन कर रहा है पूर्ण रूप से, ये हम अपने तरफ से भी और सारे ऐसा संगठन की तरफ से ये निवेदन करते हैं सारी छात्राओं से कि वो इस संगठन के साथ बिल्कुल आए और अपना 10 तारीख को 10 जनवरी को वो अपना कीमती बहुमूल्य वोट दें, अपने हित के लिए वोट दें, ताकि ऐसा जो आपके हित की बात करने आई है इसकी विजय हो। अगर कोई शिक्षक है तो शिक्षक का भी संगठन होगा, तो उसी तरह छात्रों का भी एक संगठन होता है, क्योंकि अगर कोई भी अगर समस्या छात्रों को होता है तो उसके समस्या में लड़ने के लिए हमेशा उसके साथ उसकी एक संगठन होती है, तो उसी के लिए हर साल जो है छात्र संघ चुनाव होती है। और इस बार भी 2018 में 10 दिसंबर को इस बार छात्र संघ चुनाव होने जा रही है। तो आप लोगों को बता देते हैं कि RK महिला कॉलेज में हमारे सामने में जो अगला संगठन है ABP, उनका मैं आप लोगों को साफ विचारधारा सिर्फ आपको हम उसका स्लोगन से बता देना चाहते हैं। 10 सीट के लिए सिंपल मिश्रा बची हुई है और सह सचिव के लिए गौरव मिश्रा बचा हुआ, बाकी 2 सीटों पे गौरव मुखर्जी बचा हुआ, बाकी 2 सीटों पे हम लोग कासू को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ खास संगठन ने ये मार्केट में पूरे स्टूडेंट के पीछे हल्ला फैला दिया है कि हम उनके छात्र संगठन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारी विचारधारा और उनकी विचारधारा में आसमान जमीन का फर्क है। तो मैं ऐसे स्टूडेंट को छात्र छात्राओं को ये बताना चाहूँगा कि मेरे बारे में जो भी आप लोग
के पास फैलाया जा रहा है कि मैं इस संगठन को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इस संगठन को सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम हम लोग के कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट साइड एरिया से आते हैं, उनको आने जाने में प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी समस्या है, जिन्हें 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, ऑटो फिर मिलता है, तो स्टूडेंट से बहुत समस्या है कि वो अटेंडेंस अपना कैसे पूरा करें। इसलिए हमारे कॉलेज में बहुत सारी समस्या है जिसे हमको हल करना है। इसलिए मैं NSUI जो पूरा फुल्ली बेस्ड है स्टूडेंट में, फॉर द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ कि छात्रों को कितनी सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है। और हमारे पार्टी में, हमारे संगठन में जो काम करे वो भी स्टूडेंट है, और जिनके लिए काम हो रहा है वो भी स्टूडेंट है। इसलिए कृपया कॉलेज में आप लोग सब एडुकेटेड है, सब पढ़े लिखे की जातिवाद। उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिकदाडी में विद्यालय प्रबंधन समिति की एक बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से सफाई कर्मी का चयन किया गया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिकदाडी में शनिवार को विद्यालय प्रबंध समिति की एक बैठक हुई। बैठक में विद्यालय में सफाई हेतु एक सफाई कर्मी का चयन किया गया। इसमें सर्वसम्मति से सावरा खातून का चयन कर लिया गया। बैठक में हेडमास्टर मुश्ताक अहमद, मुख्य प्रतिनिधि ठाकुर दास, सदस्य बेबी खातून, जमीला खातून, अख्तर इमाम, मेहताब मिर्जा, नसीब शेख आदि मुख्य रूप से शामिल हुए। दिनांक 6/1/2018 को उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिकदाडी उर्दू में मुखिया के द्वारा और प्रबंध समिति द्वारा एक बैठक रखी गई, जिसमें समाज कर्मी का चयन करना हेतु और सर समिति से जब दो कैंडिडेट आया और निर्णय नहीं हो पाया तो सर समिति से पूर्जी के तहत वोट दिलाया गया, जिसमें से 7 मत सबरा खातून को और 3 मत फिरोजा खातून का आया। इसी पर इस चुनाव को सम्पन्न किया गया। विभाग भवन गिरिडीह में JBM महानगर कार्य समिति की एक बैठक हुई। बैठक में नगर निगम चुनाव पर चर्चा की गई। JBM महानगर कार्य समिति की एक बैठक शनिवार को विभाग भवन में नगर अध्यक्ष नवीन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में नगर निगम चुनाव और वार्ड कमेटी के गठन पर चर्चा की गई। बैठक का संचालन राजेश जायसवाल ने किया, जबकि मुख्य अतिथि लक्ष्मण स्वर्णकार, केंद्रीय सदस्य नूनूलाल मरांडी, जिला अध्यक्ष महेश राम, नवीन सिन्हा, टेकू रविदास, प्रोफेसर HN देव, सिराज इमाम आदि मुख्य रूप से बैठक में उपस्थित थे। आज पर के कारण उमंग बता रही है कि नगर के अंदर में जब भी चुनाव होगी, या तो अप्रैल में जो चुनाव होने वाली है, निश्चित रूप से झारखंड विकास मोर्चा का मेयर भी, डिप्टी मेयर भी और वार्ड में भी सभी सीटों पे हमारे झारखंड विकास मोर्चा का कब्जा होगा, क्योंकि ये चुनाव लोकसभा के लिए या विधानसभा के लिए झारखंड के लिए, और इस चुनाव से ही पूरे राज्य का दिशा और दशा भी तय करेगी, और निश्चित रूप से यहाँ से झारखंड विकास मोर्चा के विजय श्री हासिल होगी, और आने वाला समय में जो 2000 विकास मोर्चा की जीत कैसे सुनिश्चित की जाए, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आज के दिन से लेकर के पूरे चुनाव आने तक भारतीय झारखंड विकास मोर्चा के हरेक कार्यकर्ता तन मन धन लगा करके पार्टी का काम करेंगे, और मेयर और 36 वार्डों के सदस्यों के चुनाव की सुनिश्चित करने के लिए तन मन धन से काम करेंगे। और हम महानगर की जीत कैसे सुनिश्चित करेंगे, इसकी रणनीति बनाई गई है। और हम कल ही से हर वार्डों में जाकर के बैठक करके संगठन को मजबूत करके हम एक अमली जामा पहनाना चाहेंगे। वैसे भी हमारे पार्टी के समर्थक ही इस जिले में नगर के अध्यक्ष हैं, और यह सीट फिर पुनः कैसे झारखंड विकास मोर्चे के खाते में जाए, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। और कई वार्डों का प्रचलन बदल गया है, प्रचलन चेंज हो गया, जिससे वार्ड कई बदल गया है, तो जहाँ पे नया वार्ड बना है वहाँ पे वार्ड कमेटी गठन करना है, और जो प्रचलन संख्या बदल गया है अब पुनः कमेटी का गठन करना है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज एक बैठक किया गया, और आगामी जो नगर निगम का चुनाव होना है मेयर पद का, उस पर भी चर्चा की गई,
हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आवाज़ उठाई है कि पार्टी का कैडर पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और ये बात सुप्रीमो तक जाएगी। नगर परिषद अध्यक्ष दिनेश यादव ने भुइया टोली हरिजन मोहल्ला में फीता काट कर सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन किया। बताया गया कि इसकी लागत 21,49,000 रुपये है। नगर परिषद द्वारा भुइया टोली हरिजन मोहल्ला में 21,49,000 की लागत से एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया। शनिवार को नप अध्यक्ष दिनेश यादव ने फीता काट कर इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। मौके पर संजय दास, जीवन दास, मुकेश यादव, मानिक चंद गुप्ता, धीरज यादव आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। शौचालय के लिए भारी कष्ट इसे देखते हुए हमने निर्णय लिए थे कि हर एक व्यक्ति को हम लोग खुले में शौच को पाबंदी कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसी के तहत मियां टोली में आज हम यहाँ शौचालय का सामुदायिक शौचालय का निर्माण कर यहाँ के ग्रामीण को आज हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों को जिम्मा किए और कहें कि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच ना जाए, शौचालय का प्रयोग करें। और जहाँ भी शहरी क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग कई जगह पर निर्माण किए हैं और हम लोगों ने कहा कि शहर में पुअर रिलीफ डेवलपमेंट सोसाइटी जयबासा और ग्लोबल फाउंडेशन द्वारा 8 से 19 जनवरी तक झंडा मैदान में गिरिडीह उत्सव मेला का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी मेला के आयोजकों ने प्रेस वार्ता कर दी। गिरिडीह झंडा मैदान में 8 जनवरी से 19 जनवरी तक गिरिडीह उत्सव मेला का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी मेला के आयोजक मोहम्मद आरिफ और पिंकू आलम ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में दी। बताया कि मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए जाएंगे। यहां मुख्य रूप से बनारसी साड़ी, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि के स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही बच्चों के लिए कई झूले भी लगाए जाएंगे। गिरिडीह झंडा मैदान में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें ये बताया गया कि 8 जनवरी से 19 जनवरी तक गिरिडीह उत्सव मेला लगाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे स्टॉल लगाए जाएंगे। उस स्टॉल में जैसे लखनऊ का चिकन वर्क है, भदोही का कालीन है, बनारसी सूट एंड साड़ी है, भागलपुर का सिल्क है, आसाम से बना बांस का सामान है, दिल्ली का ब्लूप्रिंट कुर्ती है, और भी बहुत सारे ऐसे सामान, अट्रैक्टिव सामान हैं यहाँ पे, जैसे कश्मीरी आइटम है, फर्नीचर है, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। और बच्चों के मनोरंजन के लिए भी बहुत सारे झूले आ रहे हैं, खाने पीने के भी बहुत सारे लजीज व्यंजन के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। तो आप सभी गिरिडीह वासियों से अपील है कि आप लोग एक बार मेले में आए। और जिस तरह हर साल ये मेला लगता है, इस साल भी लगाया गया जो 8 जनवरी से 19 जनवरी तक चलेगा। इस मेले में लखनऊ का चिकन बर्गर, भदोही का कालीन, बनारसी सूट एवं साड़ी, भागलपुर का सिल्क एवं अनेक सारे व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन रखे गए हैं। और इस मेला में हम अधिक से अधिक लोग आके इस मेले को आकर्षित करें और लाभान्वित हों। थैंक यू। बरगंडा रोड में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन के तेवर हुए कड़े। भूमि की मापी कर 3 दिन में अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश। एसडीओ विजय यादव ने कहा, अतिक्रमण नहीं हटा तो होगी कार्रवाई। गिरिडीह पुलिस ने 2 दिनों में छापेमारी कर जब्त किया अवैध बालू व कोयला। दोनों मामले में 5 की हुई गिरफ्तारी। प्रशिक्षु डीएसपी नितिन खंडेलवाल ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। भुइया टोली में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य हुआ पूर्ण। फीता काटकर नप अध्यक्ष दिनेश यादव ने किया उद्घाटन। 14वीं वित्त योजना से किया गया है निर्माण। और 8 जनवरी से झंडा मैदान में लगेगा गिरिडीह उत्सव मेला। विभिन्न सामानों के लगाए जाएंगे स्टॉल, बच्चों के लिए लगाया जाएगा आकर्षक झूला। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।